ये अगर आपने एचबीएल की लिमिट अगर आपने एक्सटेंड कर लिया, आपने ट्रांसफर कर लिया किसी और बैंक में या एचबीएल के बैंक, और आपकी लिमिट 1 लाख या 1.5 लाख है, उसको बढ़ा के आपको 5 लाख 2.5 लाख इस तरह करना है, और बाहर के किसी बैंक से आपको ट्रांसफर करना है, वो भी ट्रांसफर की लिमिट कम है, ट्रांसफर कम हुआ है, तो इसके लिए ये लिमिट मैनेजमेंट कैसे करें, इस वाले से आपने लॉग इन करना है मोबाइल ऐप में, और उसके बाद आपने अपना अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपने यहाँ मोर में ऑप्शन में जाना है, मोर के ऑप्शन में जाके आप जब जाएंगे तो यहाँ आपको लिमिट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस लिमिट मैनेजमेंट के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट लिमिट्स नजर आएंगे, ये अभी सारी मैक्सिमम लिमिट्स हैं, पहले यहाँ आपकी 2500 की जगह 1500 होगा, 5000 की जगह ये 150 होगा, इसी तरह ये 150 या कम लिमिट्स होगी। आप इस पे यहाँ एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ, और इसमें ये जितने भी लिमिट्स हैं इसके हर लिमिट को चेंज करने के लिए एडिट इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो लिमिट है इसको आप यहाँ से होल्ड करके इसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे, मैक्सिमम पे ले जाके नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इस नेक्स्ट पे उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपको ये कॉल आएगी एचबीएल की तरफ से, फॉरन ऑटोमेटेड कॉल आएगी, और वो जो कॉल है आपको उस कॉल पे आपने ये करना है कि उसमें बताएंगे कि आपने इंग्लिश के लिए प्रेस वन करें और उर्दू के लिए वन, इंग्लिश के लिए टू, टू प्रेस करेंगे और उसके बाद उर्दू के लिए वन, और उसके बाद वो कहेंगे कन्फर्म करने के लिए वन प्रेस करें, आपने दोबारा वन प्रेस करना है, और उसके बाद दोबारा वो कहेंगे रिकन्फर्म करें, तो उसके बाद दोबारा आपने वन प्रेस करना है, और वन प्रेस करेंगे तो ये खुद खुद कॉल कैंसिल हो जाएगी और आपका लिमिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसमें आपने जो वो कॉल करेंगे उसमें लिमिट्स के हवाले से जब प्रेस करना है तो प्रेस उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो सारे ऑप्शन में बता दे कॉल में, तो इसलिए आपने पहले सबसे मैसेज सुन लिया, जैसे ही वो जो कॉलर है उसकी जो वॉइस जो एंड होगी उसके बाद आपने ये प्रेस करेंगे तो वो कन्फर्म होगा।